Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आलूदा हो चुके थे, दिल जबान जहन सब गंदे हो चुके थे, जब बंदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तिलावत करता है, इस तिलावत की बरकत से उसका दिल, दिमाग, जबान सब चीज़ों की गंदगी साफ हो जाती है, उसका दिल पाक होता है, जबान पाक होती है, दिमाग पाक होता है। फिर जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करता है, अल्लाह को रहमान और रहीम कहकर पुकारता है, तो उसका दिल, दिमाग, जबान अल्लाह के पाकीज़ा नामों की बरकत से रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं और इस काबिल होते हैं कि अब आगे जो तिलावत करने वाला है बंदा, उस तिलावत के बरकात अपने अंदर ले सकें, उस तिलावत के अनवारात अपने अंदर ले सकें। तो एक वजह तो ये थी तावुज़ और तस्मिया पढ़ने की। बुजुर्गान महतरम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। एक सवाल यह है कि इस्लाम ने जा बजा हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तरगीब दी है, कुरान करीम की इब्तिदा में भी पढ़ने की तरगीब दी है। तो एक सवाल यह पैदा होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दुआ है या कुरान करीम की एक आयत है? तो इसका जवाब है, तमाम अहले इस्लाम का इस बात पर इत्तिफाक है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुन नमल का एक जुज और एक हिस्सा है। सूरह नमल पारा नंबर 19 आयत नंबर 30 में इरशाद बारी ताला है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस आयत में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, यह सूरतुन नमल का जुज है, उसका एक हिस्सा है, कुरान करीम की आयत का एक हिस्सा है, इस पर तमाम अहले इस्लाम का इत्तिफाक है। इसी तरह इस बात पर भी इत्तिफाक है कि कुरान मजीद की जितनी सूरतें हैं, उन तमाम सूरतों में से सिर्फ सूरह तौबा जो कि पारा नंबर 10 में है, इस सूरत के अलावा तमाम सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी भी जाएगी, बिस्मिल्लाह पढ़ी भी जाएगी। अजीज दोस्तों, जब हम कुरान की तिलावत करते हैं, अहादीस का मुतालआ करते हैं, तो हम मुसलमानों को ये तरगीब दी गई है कि हर काम की इब्तिदा हम लोग बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, कुल्लु अम्रिन ज़िबालिन लम युबदा बिस्मिल्लाह फहुवा अक्ता। एक और रिवायत में है, फहुवा अबतर, कि हर वो अहम काम जो बिस्मिल्लाह के बगैर किया जावे, अल्लाह के नाम को छोड़कर उसकी इब्तिदा की जाए, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं फहुवा अक्ता, वो दुम बुरीदा है, वो नाकिस है, वो ना तमाम है, वो ना मुकम्मल है। तो इससे पता चला कि अगर हम लोग अपने कामों को तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने कामों को इतमाम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने कामों को मुकम्मल करना चाहते हैं, तो हमें अपने हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी होगी, तब जाकर हमारा वो काम कामिल व मुकम्मल हो सकेगा। अहादीस में आता है कि आप दरवाज़ा बंद कर रहे हो तो बिस्मिल्लाह कहकर दरवाज़ा बंद कीजिए,
आप चिराग लाइट ऑफ कर रहे हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर लाइट ऑफ कीजिए। आप किसी बर्तन के ढक्कन को ढांक रहे हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ये काम कीजिए। आपका खाना पीना सोना सवारी पर सवार होना और उतरना हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो। जिस काम की इब्तिदा भी बिस्मिल्लाह के साथ होगी अल्लाह की मदद उसमें आएगी, अल्लाह की नुसरत उसमें आएगी। तो गोया इस्लाम हर काम के शुरू में हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दे रहा है। ये हुक्म किस लिए है? मुफस्सिरीन ने इसकी एक हिकमत लिखी है, वो ये है कि बंदा उसी वक्त बंदा बन सकता है जबकि वो हर मूड पर अपने रब को रब तस्लीम करे, अपने मालिक अल्लाह को मालिक तस्लीम करे, अपने खालिक अल्लाह को खालिक तस्लीम करे, तब एक बंदा हकीकत में बंदा बनने के लायक है। तो कुरान करीम और अहादीस मुबारका में जो मुसलमानों को तरगीब दी गई हर काम के इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ने की, इसका मकसद ये है कि मुसलमान की ज़िंदगी का हर मूड और मुसलमान की ज़िंदगी का हर अमल और हर मौके पर मुसलमान अपना रुख अल्लाह की तरफ फेर ले। एक काफिर भी खाना खाता है, एक मुसलमान भी खाना खाता है। काफिर बगैर अल्लाह के नाम के खाता है, मुसलमान बिस्मिल्लाह कहकर खाने की इब्तिदा करता है। तो जो लुकमा रोटी का वो हाथ में उठाता है जब उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो गोया वो बंदा अपनी बंदगी का इजहार कर रहा है और अल्लाह के दरबार कुद्स में ये इल्तिजा कर रहा है कि ए अल्लाह, ये जो रोटी का लुकमा मुझ तक पहुंचा है मेरे बस में नहीं था कि मैं इसको हासिल करूं, ये जो रोटी का लुकमा मुझ तक पहुंचा है ये तेरे अता करने से मुझे हासिल हुआ है, ये तेरे फजल से हासिल हुआ है। इसलिए कि आसीज़ान मोहतरम आप गौर कीजिए कि एक रोटी का लुकमा जो एक लम्हे में हम अपने हलक से नीचे उतार लेते हैं, अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि ज़मीन से पैदा होने से लेकर उस रोटी के लुकमे के पकने तक उसके पीछे कितनी ताकतें काम की हैं। ज़मीनी ताकत उसके पीछे, आसमानी ताकतें उसके पीछे, फिजाई ताकतें उसके पीछे, चांद की किरणें सूरज की शुआएं उसके पीछे, और फिर इंसानों में लिया जाए तो लाखों अफराद की मेहनत उसके पीछे। खेती करने वाला अलग है, खेती में दवाई डालने वाला अलग है, उस दवाई को तैयार करने वाला अलग है, खेती की फसल काटने वाला अलग है, फिर जब दाना बनकर तैयार हो तो कितने लोगों के हाथों से होते 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 हम तक आता है, फिर हम उस दाने को ले जाकर आटा बनाते हैं तो आटा बनाने वाला अलग है, फिर जो आटा आया उस आटे को हम डायरेक्ट नहीं खाते बल्कि उस आटे को रोटी बनाने वाली हमारी औरतें अलग हैं। तो अगर गौर किया जाए रोटी का एक लुकमा जो बंदा उठाता है इसके पीछे ज़मीनी ताकतें भी काम कर रही हैं, आसमानी ताकतें भी काम कर रही हैं, फिजाई ताकतें भी काम कर रही हैं और लाखों इंसान भी इसके पीछे लगे हुए हैं, तब जाकर वो लुकमा हमारे हाथ में आ रहा है। क्या ये हमारे बस में था कि हम उस लुकमे को इस निज़ाम कुदरत के बगैर हासिल कर लें? अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के बगैर हम उस लुकमे को हासिल कर लें, ये हमारे बस में नहीं था। आज साइंस उरूज पर है, टेक्नोलॉजी उरूज पर है, लेकिन दुनिया के तमाम साइंसदान मिलकर भी चावल का एक दाना बगैर अल्लाह की, अल्लाह के निज़ाम को और अल्लाह की कुदरत को इस्तेमाल किए बगैर नहीं बना सकते।
जमीन को इस्तेमाल किए बगैर कोई एक चावल का दाना भी नहीं बना सकता। अल्लाह का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। तो जब एक मुसलमान बंदा रोटी का लुक्मा अपने हाथ में लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह के दरबार में अपने आजजी का इजहार कर रहा है कि अल्लाह ए लुक्मा, जमीन से पैदा होने से लेकर पककर तैयार होने तक कितने मराहिल से गुजर कर मुझ तक पहुंचा है, उन तमाम मराहिल से गुजार कर मुझ तक लाना ये मेरे बस में नहीं था। अगर लाने वाली कोई जात है तो वो तेरी जात है, तूने मुझे ये लुक्मा अता किया। तो बुजुर्गाने मोहतरम, जब इस तौर पर बंदा बिस्मिल्लाह कहकर अपनी आजजी का इजहार करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके खाने को भी इबादत बना देते हैं। अजीजाने गिरामी, इंसान की जो तखलीक हुई है, कुरान करीम इंसान की पैदाइश का मकसद बयान करता है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि हमने तो इंसानों को जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब जरा गौर कीजिए, अगर अल्लाह तबारक व ताला 24 घंटे इबादत का हुक्म दे देता तो हमारा क्या हाल होता, हमारी कितनी जरूरियात लगी हुई हैं। जितनी इबादत हम पर फर्ज हुई उसी में कोताही होती है। अगर 24 घंटे की इबादत फर्ज होती तो हमारा क्या हाल और क्या आलम होता। अल्लाह अपने बंदों पर बड़े मेहरबान हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। इसलिए अल्लाह ने एक सिस्टम, एक नुस्खा, एक कीमिया मुसलमानों को अता किया कि तुम खाना बिस्मिल्लाह से खाओ, खाना खाना तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन तुम अपनी ज़रूरत को मेरे नाम से पूरा करोगे तो तुम्हारी ज़रूरत को भी मैं इबादत बना दूंगा। तुम्हारा खाना भी इबादत, तुम्हारा पीना भी इबादत। तुम बिस्मिल्लाह के साथ सफ़र कर रहे हो, सवारी पर बैठे हो, तुम्हारा सवारी पर बैठना भी इबादत। गर्ज़े के आप जो काम भी मेरे नाम के साथ करोगे तुम्हारे हर उस काम को मैं इबादत बना दूंगा। ज़रूरत तुम्हारी पूरी हो रही है और मैं बदले में उस अमल को आखिरत का ज़रिया बना रहा हूँ। दुनिया भी बन रही है, आखिरत भी बन रही है। छोटी सी मुख्तसर सी आयत, न ज्यादा वक्त खर्च होता है, न पैसे खर्च होते हैं, मुख्तसर सी आयत है। बुजुर्गाने मोहतरम, इसी तरह जब बंदा सवारी पर सवार होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सवार होता है तो गोया वो अल्लाह के दरबार में ये गुजारिश कर रहा है, अपनी आजजी का इजहार कर रहा है कि अल्लाह ये जो सवारी 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख में मुझे हासिल हुई, मेरे बस में नहीं था कि मैं इसको हासिल करूं इतनी आसानी के साथ। आप गौर करें, एक गाड़ी में सैकड़ों किस्म के पुर्जे होते हैं, हर पुर्जे पर हजारों अफराद मेहनत करने वाले हैं, और एक गाड़ी में कई किस्म के मटेरियल्स, कई किस्म के मादे पाए जाते हैं, तांबा भी है, जर्मन भी है, स्टील भी है, न मालूम कितने किस्म के मादे उसमें पाए जाते हैं। उन मादों को जमीन से निकाल कर पुर्जों के बनाने तक लाखों अफराद उस पर मेहनत कर चुके। अब एक बंदा 1,00,000 रुपये देता है, गाड़ी हासिल करता है आसानी के साथ। तो ये जो निज़ाम बनाने वाली जो ज़ात है, किसकी ज़ात है? वो अल्लाह की ज़ात है। आसानी के साथ थोड़ी सी अमाउंट हम दे रहे हैं और कार हासिल कर रहे हैं, गाड़ी सवारी हासिल कर रहे हैं। तो ये जो निज़ाम, ये जो सिस्टम है, ये अल्लाह का बनाया हुआ है। बंदा बिस्मिल्लाह पढ़कर सवार होता है तो गोया अल्लाह के दरबार में इल्तजा करता है, अल्लाह मेरे बस में नहीं था कि मैं खुद इसको तैयार करूं, तूने एक निज़ाम बनाया है, एक सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम के तहत ये सवारी चंद पैसों के इवज में मुझे मिल रही है, ऐ अल्लाह ये तेरा शुक्र है। बुजुर्गाने मोहतरम, इससे आगे बढ़कर कहूं, जो अमाउंट देकर हम गाड़ी खरीद रहे हैं वो अमाउंट को देने वाला कौन है? क्या पैदा होते हुए हम अमाउंट लेकर आए थे? क्या हम रकम लेकर आए थे? हम रकम लेकर नहीं आए। इंसान जब इस दुनिया में आता है बरहना होकर आता है, एक जोड़ा कपड़ा भी उसके पास नहीं होता। तो अब इस दुनिया में आने के बाद
जिस अमाउंट को देकर हम गाड़ी खरीद रहे हैं उस अमाउंट को कमाने का जरिया और सबब जो अता करने वाली जात है वो अल्लाह की जात है। तो गोया बंदा बिस्मिल्लाह जिस काम में भी पड़ेगा उस काम में वो गोया अल्लाह के दरबार कुद्स में ये इल्तिजा कर रहा होगा कि अल्लाह ये काम मेरे बस का नहीं था, तूने अता किया। और यही बंदगी का आइन मकसद है। बंदगी कहते ही इसे हैं कि बंदा अपने जिंदगी के हर मोड़ पर अपने जिंदगी का रुख अल्लाह की तरफ फेर दे कि अल्लाह मुझसे कुछ नहीं होता, सब कुछ तुझसे होता है, तेरा अता करदा है, तेरा फजल है। तो एक छोटी सी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने अंदर बहुत बड़ा माना और बहुत ज़खायर अपने अंदर रखती है। तो बुजुर्गान मोहतरम हमें चाहिए कि हम कुरान करीम की तिलावत से पहले जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं अपने हर अमल से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर हम अमल करें। जब हम